इस साल होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां एक तरफ इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बीजेपी को यह झटका कोई और नहीं कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर फैसले को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है, और इधर गोवा में कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता को चुनौती देते हुए सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस पार्टी ने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा को चिट्ठी लिखकर राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि भाजपा विधायक फ्रांसिस डिसूजा के निधन के बाद मनोहर पर्रिकर सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। गोवा सरकार में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलकर ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को सौंपे गए पत्र में गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए मांग की है कि राज्य में भाजपा के अगुवाई वाली सरकार को बर्खास्त किया जाए, और कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, इस कारण गोवा में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह भी साफ किया है कि गोवा में अगर राष्ट्रपति शासन के तहत लाने का कोई प्रयास किया गया तो वह असंवैधानिक होगा और उसे कांग्रेस पार्टी चुनौती भी दे सकती है। आपको बता दें कि गोवा विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में गठबंधन से सरकार चला रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में गोवा विधानसभा में 40 विधायकों की संख्या में सिर्फ 37 विधायक ही बचे हैं। गौरतलब है कि गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक फ्रांसिस डिसूजा का पिछले दिनों इलाज के दौरान निधन हो गया था, और बाकी 2 MLA में से कांग्रेस विधायक सोप्ते और सिरोडकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके वजह से कांग्रेस 16 विधायकों की संख्या से घटकर 14 पर आ गई है। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली थी। इसके अलावा MGP को 3 सीटें और GFP को 3 सीटें मिली थी, और NCP और निर्दलीय को 1-1 सीटें मिली थी। इन पार्टियों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 21 विधायकों का समर्थन है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। आज सरकार बनाने के दावे के बीच कांग्रेस पार्टी कई बार कह चुकी है कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर गंभीर रूप से बीमार है, लिहाजा उन्हें हटाकर कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।